बीजेपी की पहली लिस्ट में राजस्थान की 15 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित, इनके नाम शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। बढ़ते हैं खबर की ओर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कुल 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इस लिस्ट में वाराणसी से पीएम मोदी का नाम घोषित किया गया है। इसके अलावा 34 मंत्रियों के नाम भी शामिल है। विशेष तौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो पहली सूची में राजस्थान की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। आइए जानते हैं लिस्ट में किसके नाम घोषित हैं, शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बेकिनार से SC हैं। देवेंद्र झाझड़िया चिरू हैं। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सीकर से। भूपेंद्र यादव अलवर से। राम स्वरूप कोहली भरतपुर से। ज्योति मिद्रा नागौर से। पीपी चौधरी पाली से। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से। कैलाश चौधरी बाड़मेर से। और लुम्बा राज चौधरी जालौन से। और मिश्रलाल रावत उदयपुर से। महेंद्र मालवी बांसवाड़ा से। और सीपी ज्योति चित्तौड़गढ़ से। ओम बिरला कोटा से। और दुष्यंत सिंह झालावाड़ा बारा से। इन 15 सीटों के नाम में से ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन्हें पिछले चुनाव में भी इस सीट से उतारा गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उनकी पिछली लोकसभा सीट बेकिनार से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बात करें तो स्पीकर ओम बिरला की तो उन्हें कोटा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। कैलाश चौधरी बाड़मेर सीट से उम्मीदवार हैं। कुल 195 उम्मीदवार की लिस्ट है। कुल 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 28 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी शामिल। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर सीट से उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अरुणाचल प्रदेश से। अर्जुन मुंडा को झारखंड के खूंटी से उतारा गया है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो ज्योतिराज सिंधिया को गुना सीट से। पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। आपको क्या लगता है इसमें से कितने लोग जीत सकते हैं, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं।